हेलो एंड वेलकम टू इंडिया बट डॉट कॉम। फ्रेंड्स, एक अच्छी न्यूज़ है, जो बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो प्री एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट देने के बाद अब जो है डेट भी निकाल दिया है मेंस एग्ज़ाम का। तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल जो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर लें। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें निकाला है कि जो संख्या विज्ञापन संख्या 2/2017 है, जो कि सिविल का वैकेंसी था, उसके लिए 27 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक एक या फिर दो सीटिंग, किसी दिन एक सीटिंग है और या फिर दो सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। पटना में ही एग्ज़ाम होगा, ये आपका कंफर्म हो गया। तो आप टिकट्स अपने करवा सकते हैं, जहाँ के भी हों तो पटना आने के लिए टिकट करवा सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ पटना में होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो 27 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक होगा। फर्स्ट सीटिंग होगा जो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगा और सेकंड सीटिंग जो है वो दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो 27 तारीख को जो एग्ज़ाम है, जो कि वेडनेसडे है, उस दिन पहला जो पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जनरल हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद सेकंड सीटिंग में जो कि 2 से 5 बजे एग्जाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का पेपर। जो पेपर नंबर 3 है वो 28 मार्च 2019 को होगा, जो कि थर्सडे है उस दिन। तो ये जनरल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे 29 को एग्ज़ाम होगा जनरल इंजीनियरिंग साइंस का सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव 11 से 12 बजे तक। फिर 1 से 3 बजे तक होगा आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस का सब्जेक्टिव पेपर। फिर 30th मार्च को आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का, जो सेक्शन 1 है। उसके बाद सेक्शन 2 जो सिविल इंजीनियरिंग का, वो सब्जेक्टिव पेपर उस दिन होगा 1 से 3 बजे तक। 31st मार्च जो कि संडे है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 6 होगा, जो सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव होगा और सेक्शन 2 सब्जेक्टिव होगा। तो आपका ये एग्ज़ाम जो है 5 दिन में कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से आप रहने की व्यवस्था के लिए अपने होटल्स या जहाँ भी रहना है आप बुक कर सकते हैं। ट्रेन या फ्लाइट जैसे भी आप आ रहे हैं वैसे आप बुक कर सकते हैं। तो सब कुछ ये क्लियर हो गया है, तो इस हिसाब से अपने रिजर्वेशंस करवा लीजिए। उसके बाद यह उपयुक्त परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व से उपलब्ध रहेंगे। मतलब कि 27 है तो 20 या 21 तारीख से ये एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद ये भी दिया है कि कैंडिडेट्स को बाई पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, तो आपको डाउनलोड करके ही करना है। तो उससे रिलेटेड भी जब भी एडमिट कार्ड आ जाएगा हम आपको इससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। वैसे फ़िलहाल आप अपने जाने और रहने के रिजर्वेशंस कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होने वाली है, काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने रिजर्वेशंस ये सब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कोई सवाल के लिए कमेंट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सारे फॉलो कर लें, तो उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उससे रिलेटेड या फिर जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।